हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। और मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक सीरीज ऑफ ब्लॉग्स। बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं आज से हमारी 12 डे लॉन्ग जर्नी। सो ये जर्नी होने वाली है ऑलमोस्ट 6 डे 6 स्टेट्स के थ्रू, और 12 दिन का स्प्रेड में होने वाली है ये जर्नी। और हम बेसिकली निकल चुके हैं अपने कार से और विथ फैमिली, और आई एम द सोलो ड्राइवर इन दैट। सो हमने ये जर्नी ऐसे स्प्रेड की है कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, फैमिली भी एंजॉय करे और जो ड्राइव करने वाला है वो भी एंजॉय करे। और जिस भी सिटी में हम जाएंगे, जहाँ पे भी हम रुकेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की कुछ स्पेशलिटी देखें, या फिर कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है जो देखें, वहाँ का स्पेशल फूड ट्राई करें। सो ऑन द वे भी जर्नी में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे आपसे, कि हमने कैसे ब्रेक्स लिए हैं, कहाँ पे स्टॉप्स लिया है, कहाँ पे स्टे किया है, और कैसा रहा हमारा ओवरऑल स्टे, कैसे रोड कंडीशंस है, कितने टोल लगते हैं, ये सब जर्नी कवर करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कुछ प्लान कर रहे हो ऐसे रोड ट्रिप्स अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो होपफुली ये वीडियो सीरीज ऑफ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो बेसिकली मैं शेयर करूंगा यहाँ पे कि हमारा ओवरऑल प्लान क्या होने वाला है। तो हम शुरू करेंगे पुणे से, जो कि मेरा होम टाउन है करंटली। सो फर्स्ट डे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पुणे से हम दमन चले जाए। सो दमन हमने इसलिए सिलेक्ट किया, बेसिकली मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और बेसिकली वी वॉन्टेड टू विजिट देम एज वेल, सिंस हम लोग वही रूट पे है। तो हम वहाँ पे स्टे करेंगे 1 नाइट, और वहाँ उनसे मिलेंगे। बीच में मुंबई में एक स्टॉप है जहाँ पे मैं मदर को ड्रॉप करने वाला हूँ, और फिर 1 नाइट स्टे के बाद हम बेसिकली निकल पड़ेंगे अपनी फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, जो कि एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। सो काफ़ी छोटा ड्राइव है, बट हमने ऐसे प्लान किया है कि हम इवनिंग को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट कर सके, लेजर शो जो है वो देख सके, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग फिर ट्रैवल करेंगे, विच इज़ डे 3, अहमदाबाद की तरफ। तो अहमदाबाद का स्टॉप एक्चुअली ज़रूरी नहीं था, बट मैंने बुकिंग कर ली थी पहले ही, और मैं अभी कैंसिल नहीं कर सकता था उसे। तो हमने सोचा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अहमदाबाद भी एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ की थाली बहुत फेमस है, वहाँ पे कुछ कुछ स्पॉट्स है जैसे गांधी आश्रम, साबरमती रिवर फ्रंट, सो हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ से हम 1 नाइट स्टे के बाद डे 4 इज एक्चुअल अब हमारा जो रोड ट्रिप बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स क्लोज टू 600 किलोमीटर्स और 11 to 12 आवर्स ले सकता है। सो हम लोग अहमदाबाद टू जैसलमेर प्लान कर रहे हैं। सो जैसलमेर में हम सिटी में न जाके हम फर्स्ट डे हमने टेंट प्लान किया है। सो टेंट स्टे है वहाँ पे, कैंप्स होते हैं सम डेजर्ट में, और डेजर्ट में हम टेंट स्टे प्लान करेंगे। सो यहाँ पे जैसलमेर में जैसे आप देख सकते हैं कि हम हमारा डे 4 एंड करेंगे, और 5 और 6 बेसिकली डे होने वाला है हमारा जैसलमेर में ही। सो हमने जैसलमेर में 3 डिफरेंट होटल्स बेसिकली सिलेक्ट किए थे। सो नेक्स्ट डे का हमारा होटल है जैसलमेर सिटी में, वहाँ पे सिटी का जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है हम एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद एक मोहनगढ़ करके एक फोर्ट है, जो कि वेरी रिसेंट फोर्ट कह सकते हैं, जो इंडिया में बना था, और वो अभी होटल ऑपरेट कर रहा है। सो हमने वहाँ पे भी स्टे प्लान किया है, एक जस्ट टू गेट अ फील ऑफ यू नो पैलेस का, स्टे का। सो ये ऐसे होने वाले 3 दिन हमारे जैसलमेर में। फिर उसके बाद हम चल पड़ेंगे जोधपुर की तरफ। सो जोधपुर में भी हमने 2 दिन प्लान किया है, 2 नाइट्स, और बेसिकली जोधपुर भी सिमिलर टू जैसलमेर, हमने काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हमने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जोधपुर का स्टे हमारा। काफ़ी अच्छा होटल है, बट लिटिल फार फ्रॉम द सिटी, सो लोकल ट्रांसपोर्ट हम एक्सपीरियंस करेंगे उसमें। सो वो 2 दिन होने के बाद हम निकल पड़ेंगे बेसिकली वृंदावन की तरफ। सो आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी जर्नी प्लान करें किसके लिए। सो ऑब्वियसली आप देखोगे कि वृंदावन के नीचे ही आता है आगरा। सो हमने ऐसे प्लान किया था कि हम जल्दी निकल के जोधपुर से हम वृंदावन की तरफ जाएंगे, और वृंदावन में इवनिंग को हम टेम्पल्स विजिट करेंगे। सो वो एक हमारा टिक हो जाएगा, वृंदावन स्टे का भी एक हम आनंद उठा सकेंगे। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम ताजमहल विजिट करेंगे, और ताजमहल में जैसे आगरा में जाएंगे तो हम आगरा फोर्ट भी देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो फतेहपुर सीकरी प्लान करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा इवनिंग स्टे होने वाला है ग्वालियर में, और ग्वालियर के बाद बेसिकली हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होती है। सो ये तो आने वाले जो 2 दिन होने वाले हैं वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अवर रिटर्न जर्नी। और हम जैसे कि ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, सो हमने स्प्लिट किया है 2 दिनों में। सो 1 दिन हम इंदौर में रहेंगे, और ऑन द वे हमारा प्लान है कि उज्जैन में जाया जाए। सो डिपेंडिंग ऑन हम कितने टायर्ड है, कैसे हमारा दिन जा रहा है, वो टाइम पे हमारा सिचुएशन क्या है। तो उज्जैन में महाकाल मंदिर टेम्पल भी हमने प्लान किया है। सो अगर उज्जैन होता है तो इवनिंग हम थोड़े जो जैसे इंदौर जाना जाता है स्ट्रीट फूड के लिए, सो हम वो एक्सप्लोर करने का हमारा प्लान है। एंड देन ऑब्वियसली रिटर्न जर्नी है हमारी हमारे होम टाउन की तरफ। और ऑन द वे यहाँ पे एक वाइनरी आती है जहाँ पे हम कोशिश करेंगे जाने का, और इट इज़ लाइक इट इज़ नोन फॉर अ वेरी डिलीशियस फूड। देर इज वन रेस्टोरेंट कॉल आईवी,
और हमने वो भी अपने प्लान में रखा है। सो आप देख सकते हैं कि हमने काफी कुछ प्लानिंग की हुई है, ये ऑन द वे की स्टे का डेफिनेटली हमने पहले ही बुक कर चुके थे, और ऑन द वे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टॉप्स लेना है, वो भी हमने डिटेल प्लानिंग की है। सो देखते हैं वो कैसे। सेट टू स्टार्ट अवर जर्नी। सो अब बज चुके हैं 12:57, ऑलमोस्ट 1 o'clock को निकल रहे हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल कि हम लोग दोपहर को निकल रहे हैं, बट ऑब्वियसली एज आई सेड देर इज़ अ रीज़न, माई सन्स एग्जाम वॉज देयर, माई वाइफ वॉज वर्किंग, एंड सब कुछ ख़त्म करके फिर अब निकले हैं। और आज का हमारा पहला स्टॉप होने वाला है दमन, और बीच में हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, मेरी मदर को मेरे भाई के घर पे छोड़ेंगे, एंड हियर इज़ हाउ वी हैव पैक्ड अवर लगेज। इट्स क्वाइट क्रैम्प्ड अप, बट होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बाय द टाइम वी रीच अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो आज का पहला हमारा स्टॉप, जैसे मैंने बताया, दमन होने वाला है, जो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स है यहाँ से, और इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 6.5 आवर्स। सो 1 o'clock और 6.5 आवर्स, ऑलमोस्ट 7:30, छोटा सा ब्रेक, 8 o'clock तक हम पहुँच जाएंगे होपफुली। और इसी के साथ हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। सो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, वंदे मामा की जय। ऑल राइट, सो अब हम पहुंचे हैं पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रेच है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें तो ये पता ही होगा, बट अगर कोई बाहर से देख रहा है तो पुणे टू मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर्स और 6 लेन्स का है। आप देख सकते हैं 3 लेन ये साइड, 3 लेन वो साइड, एंड बीच में लोनावला करके प्लेस है, जहाँ पे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन बोल सकते हैं उसको, काफ़ी हाइट पे है, हमेशा ग्रीनरी होती है, बारिश होता है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स काइंड ऑफ अ वीकेंड डेस्टिनेशन फॉर पुणे और मुंबई के लोगों के लिए। हम उसी के थ्रू जाके मुंबई जाने वाले हैं, और ये काफ़ी बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे है, सो वी आर एंजॉइंग योर जर्नी। ऑलराइट गाइस, सो अब निकले हैं हम विक्रोली से, और निकल के करीब 45 मिनट्स तक हो गया है, बट आप देख सकते हैं कि हम ट्रैफिक में फंसे हैं, और हैवी ट्रैफिक है। हम फिलहाल घोड़बंदर रोड पे हैं, सो विक्रोली से निकल के हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से घोड़बंदर रोड की तरफ जा रहे हैं, और घोड़बंदर रोड में इट्स काइंड ऑफ हैवी ट्रैफिक, सो इट वॉज नॉट मे बी एक्सपेक्टेशन गलत था कि ये समय में भी इतना ट्रैफिक हो, ये पता नहीं था, बट आप देख सकते हैं हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, मेट्रो का काम शुरू है, सो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट। ऑलराइट गाइस, सो अब हम घोड़बंदर रोड से निकल के अहमदाबाद हाईवे पे आ गए हैं, और हम शायद अभी बसई की तरफ जा रहे हैं, और ये सनसेट तो नहीं है, बट सन इज कमिंग डाउन, और अभी तो फिलहाल से 5:10 हुए हैं, इतना भी टाइम नहीं हुआ है, बट अंधेरा होने लगा है, और रोड काफ़ी हद तक खुल गया है, अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है रास्ते पे, बट एज वी नो लाइक दिस हाईवे इज़ हैवी, ट्रक का ट्रैफिक से बहुत हैवी होता है, और वही हमें एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, बट
वो नहीं है कि एक जगह पे अटक गए, तो मूविंग ट्रैफिक है इसलिए अच्छी बात है। और अब हम समय के मुताबिक 7:47 पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ गुड न्यूज़। सो होपफुली हम टाइम पे पहुंचे और मिलते हैं आगे। और ये रहा बढ़िया लैंडस्केप, और यही मज़ा है रोड ट्रिप करने का। और अदरवाइज रोड ट्रिप में क्या रखा है ना, सो पूरा दिन आप कार में बैठे रहो, बट अगर ऐसे नज़ारे दिखते हैं आपको विच मेक्स योर डे, जो पूरा थकान है आपका रोड ट्रिप का मिटा देता है। सो इसीलिए हम रोड ट्रिप करते हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस के लिए। वरना तो क्या है, फ्लाइट से चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ते में क्या है। अभी वसई में, वसई वेस्ट में था मेरा कॉलेज, बट ये ईस्ट जो है ना, वसई ईस्ट, तो यहाँ पे हम एक बार पिकनिक के लिए आए थे, है ना। तुंगारेश्वर करके स्पॉट है, और जो बारिश में बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब आप चले जाओ ट्रैक पे, बारिश में वाटरफॉल हो या फिर नदी हो, नदी में तैर के जाओ, मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस लाइफ का मुझे वो कॉलेज के टाइम में मिला यहाँ पे तुंगारेश्वर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पॉट है वो। सो अभी कॉलेज, सब कॉलेज फ्रेंड्स, हेलो गाइस। सो अभी बजे हैं 7:19, और 19 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं हमारे फर्स्ट डे का डेस्टिनेशन पे। सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी टुडे, देयर वाज नो इश्यू एट ऑल, ओनली एट वन प्लेस थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, बट अदरवाइज बहुत स्मूथ जर्नी थी। मैं कहूँगा कि ये काइंड ऑफ अ वार्म अप ड्राइव था, बिकॉज आने वाले 11 दिनों में हमें काफ़ी सा ड्राइव करना है। तो आज तो सिर्फ 315 किलोमीटर हुए हैं, टोटल एस्टिमेटेड किलोमीटर्स आर गोइंग टू बी 4000+। हम लोग जैसे कि मैं बताया कि 6 स्टेट में जाने वाले हैं। अभी तो दमन में है, हम महाराष्ट्र से निकले, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर से महाराष्ट्र। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। मैं कवर करूंगा रोड पे जो भी हो रहा है, कोशिश करूंगा हर एक एस्पेक्ट कवर करूं, टोल, फूड प्लाजा। आज तो हमने खैर कोई ब्रेक नहीं लिया बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी कम था, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट आने वाले दिनों में जहाँ पे भी हम रुकेंगे, हम बताएंगे कि कैसे स्टॉप्स हैं। वैसे इस हाईवे पे काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं, अगर कोई आना चाहे, ब्रेक लेना चाहे, तो NH 48 इज़ क्वाइट बिजी। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वॉशरूम के लिए पेट्रोल पम्प्स काफ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस हाईवे पे। बट हम लोग काफ़ी फ्रेश थे, दिन में चालू किया था, तो सोचा कि एट अ स्टेच किया करें। हम लोग 1 बजे शुरू किया था और एक अराउंड 7:30, 7:35 पे ख़त्म करेंगे, विच इज़ एज पर गूगल, वी ऑनर दैट, आई थिंक इट वॉज ग्रेट। यही ख़त्म करते हैं आज के दिन के लिए। हम कल मिलेंगे फिर से, और कल हम शुरू करेंगे अपनी जर्नी केवड़िया एकता नगर फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।